लास्ट देख के ना राजपाल यादव दी ना मूवी का एक सीन याद आ गया। वो कभी आप भी ट्राई कीजिए जरूर। उसमें है ये टार्जन मूवी में सीन, कह रहा तुमने ये ना रेलवे के यहाँ पे फाटक क्यों नहीं बनाया। कह रहा भाई रेलवे जो है ना घाटे में चली जा रही है। कहता 120 पैसेंजर के डब्बे में 200 पब्लिक जो है 200 लोग भेड़ बकरियों की तरह भरे जाते हैं, अभी कह रहे हो रेलवे घाटे में चल रही है। इस रेलवे में रश देखना, मुझे उसका पॉइंट याद आ गया। कोयटा से लेकर जहां आपने जाना वहां तक का टिकट के आपको पैसे जुर्माने के तौर पर देने पड़ेंगे, ये किसी को माफ़ नहीं करते, पकड़ लेते हैं। तो बेहतर भाई यही है कि टिकट लेके फिर सफ़र करें, टिकट के बगैर सफ़र ना करें। मैंने बड़े बुरे हालात देखे हैं लोगों के जो टिकट के बगैर बैठ गए। जो कराची जाने वाले थे उनके लिए बहुत बुरा हाल था। मैं उनकी वीडियोज़ नहीं बना सका क्योंकि यार हर बंदे की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मैं उनको वीडियोज़ में नहीं लेके आया। तो पुत्र जी ट्रेन के अंदर तेरी हालत होगी ना गर्मी के वजह, तेन वो तो पता लगे कि जी तो मिट्टी हो मिट्टी हो गया घर जाएगा। वापसी को नहीं आता ट्रेन पे, मैं बस पे आऊंगा। की इतने ही आना है फिर बस क्या घर जाना है। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूं कि सब मेरे दोस्त भाई बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं आपके लिए छोटी छोटी इंफॉर्मेटिव वीडियो काफी सारी लेके आता रहता हूँ। पहले व्लॉग मैंने वॉचेस का डाला, फिर उसके बाद मैंने मार्केट का डाला, फिर आहिस्ता आहिस्ता वॉचेस के मैंने आपको व्लॉग दिखाए। इस तरह की छोटी छोटी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला, मेरे साथ रहिएगा एंड तक, बड़ा मजा भी आएगा। आज मैंने बेसिकली ट्रेन का करना है सफर। ट्रेन पे हमें किस किस मुश्किल का सामना करना पड़ता है, ट्रेन में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें वहां पे प्रोवाइड होती हैं, सीट मिलती है नहीं मिलती है, कैसे लेनी है, ये सारी इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। अब जैसे कि अब हमने जाना है तो सबसे पहले ड्राइव पे हम रिक्शा करवाएंगे, रिक्शे की सवारी करेंगे, फिर हम जाएंगे क्या कहते हैं कि रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन से जो आगे का सफर शुरू होने वाला, बेसिकली सफर मेरा रात का है। चलते हैं अपने असल ब्लॉग की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बोला था कि मैंने यहाँ से हमने ड्राइव करवाई है, अब यहाँ से हमने जाना है रेलवे स्टेशन। जी चल रिक्शे में बैठते सीधा। रिक्शे में यार तो लाहौर जंक्शन जो नारकली के पास आता है उसके वहाँ से कितना होता है। छोटी सी टिकट ली है हमने वहाँ पे, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है हमें खड़ा होकर जाना पड़ा है। और टिकट इस वक्त मैं आपको दिखाऊं कि टिकट हमें कितने की मिली है। और अनारकली वाले स्टेशन से हमें टिकट का रेट है तकरीबन 1,050 रुपये, और अनारकली से यहाँ तक स्टेशन का सफ़र तकरीबन बनता है तकरीबन 20 मिनट का सफ़र है। और 20 मिनट के सफ़र में जो प्राइस का फ़र्क है ना, ये हमें टिकट मिली है 750 की, 750 की मिली और वहाँ से है 1,050 की, बहुत फ़र्क है। तो मैं होता हूँ लिबर्टी में, ज़ारी सी बात है ये नज़दीक नियर पड़ता है मुझे, तो मैंने यही सोचा कि यार यहाँ से हम टिकट लेंगे ना तो हमें फ़ायदा है। वहाँ से जाऊँगा अगर मैं जाता हूँ ड्राइव पे रिक्शा करवा के यहाँ तक आए हैं, उन्होंने हमसे 300 रुपये लिया है और यहाँ से 750 रुपये, ये 750 मतलब 1,050 रुपये लग गए, ठीक है। लेकिन वहाँ से अगर मैं जाता अनारकली वाले स्टेशन पर तो तकरीबन 500 रुपये रिक्शे वाले ने ले लेना था मेरे से, और मेरा तकरीबन 200 रुपये का यहाँ 200 रुपये की यहाँ पर बचत हुई है। 200 रुपये की बचत भी बड़ी बचत है यार इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, लेकिन बता रहा हूँ कि इतना फ़र्क है इन इतने से इतने वाई का। बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि वहाँ पर टिकट ना भी ना, लेकिन मसला पता कि अगर टिकट आपके पास नहीं ना होगी तो आपको जिधर से ये ट्रेन चल रही है ना, कोयटा से आ रही है या जिधर से भी आ रही है, अगर आपके पास टिकट नहीं है, आप लाहौर से आगे का सफ़र करना चाह रहे हैं, तो जिधर से आप बैठे हैं ना वहाँ से लेकर नहीं। लो जी इस वक्त हम गाड़ी के इंतज़ार में, अभी 7:20 पर आनी थी और जो कि इस वक्त 8:30 हो चुके हैं। हमने नमाज़ भी जल्दी में पढ़ी है कि यार कहीं ट्रेन हमारी छूट ना जाए, लेकिन सूरत हाल वैसी ही है। लेकिन गर्मी भी बड़ी है, पसीना भी बड़ा आ रहा है, आप देख वीडियो में देख रहे होंगे, लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं पहुंची। इंतज़ार में खड़े खड़े ना बंदा खुद ही पागल हो जाता है कि बंदा क्या करे क्या ना करे। हर दफ़ा की इनकी रूटीन है कि आधा घंटा ये लेट होती है, लेकिन इस दफ़ा तो इसने अखीर ही कर दी है कि 7:20 का टाइम था, 8:30 हो गए मेरे ख्याल, आते आते इसने 9 बजा देने हैं। और मियाँ जिन्हें पहुँचते पहुँचते मेरा ख्याल आ कि
हमें 2 बजे ही जाने जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है। और मुसाफिर अगर मैं बात करूँ, इस वक्त रात का काफ़ी टाइम हो चुका है, लाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, बेचारे बैठे इंतज़ार में उस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगी और कब हम अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचेंगे। ये मेरा भांजा है जी अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? सुकने तो नहीं पिया? नहीं भाई, वही काम सुकने पे वाला काम हो गया है। सानू खजल कर रहे हो, करो। नहीं मतलब ये ना भुख तो नहीं लगी? नहीं नहीं दे ला, पक्की गल भुख लगी दस दी मैनू। बस नाल कुछ नहीं लिया, आपा चाहिए सी वैसे कुछ ना कुछ चीज खाने वास्ते ला लेंदे। यार कोई टक्शा भी नहीं है इत्थे इतने तेनों की नहीं तेन तेन मैं कैंट च ना लै जा बैरियर ला जा तो फिर क्या ही बात है। मैं इस पहले जब आया था ना अब्दुल्ला यहाँ पर, ये सारी जगह मैं पैदल चल के वहाँ से जिधर आपको रेड लाइट नज़र आ रही वहाँ से चल के मैं यहाँ तक पैदल आया था जब पहली दफ़ा मैं आया। और पहली दफ़ा आने का मकसद ये हुआ था कि मुझे लाइफ में पहली दफ़ा जब मैंने ट्रेन से यहाँ सफ़र किया था, पैदल सफ़र बड़ा करना पड़ा था मुझे, रमज़ान की बात है ये। और रफ्तारी भी मैंने तकरीबन इस यहाँ पर जो चेयर नहीं लगी वहाँ पे बैठ के, रमज़ान की बात कर रहा हूँ, अच्छा उस वक्त रोज़े थे, उस वक्त पहला सफ़र इस टाइम मैंने किया था। लेकिन उस टाइम ये राइट टाइम 7:20 पर गाड़ी आ गई थी। ये मेरा दूसरा सफ़र है यहाँ पर जो कि इस वक्त जिन्हों जो कि साढ़े मैं तो उसी टाइम से निकला था 7:20 भी, लेकिन ये अब इस वक्त इन्होंने टाइम कर दिया 8:30 का। जी हम भी ट्रेन के इंतज़ार में बैठ गए हैं जिधर ट्रेन ने आना है, ट्रेन ने यहाँ पटरी है ट्रेन की और हम इतने वाये पे बैठे हुए हैं ताकि ट्रेन आए जल्दी जल्दी, पीछे होके अपनी सीटों पे जाकर, सीट तो मिल नहीं रही है भाई, खड़े होके जाना पड़ना है। अभी आवामी ट्रेन है, हमने बिजनेस क्लास की तो टिकट नहीं ली। तेरा पहला सफ़र है यहाँ से? नहीं दूसरा सफर। पहले कहाँ से गया था? पहले मैं नहीं, यहाँ से पहला सफ़र है, दूसरा मेरा नारकली से। नारकली है? हाँ नारकली। अब पहला सफ़र तूने नारकली से किया था, शाहिद भाई के साथ किया था? हाँ, उस टाइम भी इसने बड़ा जलीलो खवार किया था। हाँ आज भी यही है। तो पुत्र जी ट्रेन के अंदर तेरी हालत होगी ना गर्मी के वजह, तेन वो तो पता लगे कि तो मिट्टी मिट्टी होकर घर जाएगा। को नहीं आता ट्रेन पे, मैं वापस ही आऊंगा। की इतने ही आना है फिर वापस? हाँ। क्या घर जाना है? घर नहीं जाना। हाँ मैनू बड़ी मुश्किल मैं आया निकल के, नहीं तो फंसे होया था काम। चल कोई नहीं, अम्मा नु भी तो जाके मिलना ही है ना। अम्मा तेरी आएगी? अम्मा इंशाल्लाह आएगी। अम्मा तो तेरी कह रही थी मैं नहीं आना। आएगी, मैं क्या आएगी? अम्मा आएगी तेरी इंशाल्लाह, पक्की गल है। चलो देखते हैं जाके जी, देखते हैं किस टाइम तक हम पहुंचते हैं और वो टाइम इंशाल्लाह आपको नोट करवाऊंगा कितना टाइम हमें लगा है यहाँ से वहाँ तक जाने में और ट्रेन के अंदर की क्या सूरत हाल होगी वो भी आपको दिखाऊंगे इंशाल्लाह। कोयटा से लेकर जहाँ आपने जाना वहाँ तक का टिकट के आपको पैसे जुर्माने के तौर पर देने पड़ेंगे, ये किसी को माफ़ नहीं करते, पकड़ लेते हैं। तो बेहतर भाई यही है कि टिकट लेके फिर सफ़र करें, टिकट के बगैर सफ़र ना करें। मैंने बड़े बुरे हालात देखे हैं लोगों के जो टिकट के बगैर बैठ गए। ले जी इंतज़ार की घड़ियाँ हमारी ख़त्म हुई, ट्रेन की लाइट इतनी तेज़ है देख ही रहे हैं कि अब आ चुकी है हमारे पकड़ी भी, क्योंकि लेट तो वैसे बड़ी ज़्यादा थी। अब्दुल्ला कितनी यार इसकी लाइट ही बड़ी तेज है, बहुत तेने बिजली का बिल दे ना दे। ले जी पहुंच गई है ट्रेन भी, पॉइंट और पो इन्नी स्लो आन दे हो। सही बैठे हैं जी, हमें इस वक्त तीसरे बर्थ पे बैठे हुए, ये हमारा सामान पड़ा है ठीक है। अब नीचे की बात करो, 1, 2, 3 ये तीसरे बर्थ के इंतजार में जगह भी नहीं है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है हमें कितने देर तक बैठना है यहाँ पे। मेरे भाई आएंगे तो रिक्वेस्ट करके पर बैठा हुआ यार, वो आएंगे तो फिर मैंने नीचे उतर जाना है। सफाई अगर देखो यहाँ पे मिट्टी भी काफ़ी सही नज़र आ रही होगी आपको, ये इकॉनमी क्लास है भाई, ये बिजनेस क्लास नहीं है ठीक है। ये हमें एक पंखा उन्होंने दे दिया है, पंखे की हवा लो और इन्जॉय करो। ये सामने भाई बैठे हैं, उन्होंने साहिबाल उतरना है, बहुत अच्छी है नेचर वाइज भी। यकीन करें कि इधर पहले सीट मुझे नहीं मिल रही थी,
इस भाई ने रिक्वेस्ट करके, ये नीचे जो बैठा है ना इनसे सीट लेके इसने हमें दी है, कहता है यार आप लेट जाओ वरना इतना लंबा सफ़र है थक जाओगे। वरना बहुत अच्छे अच्छे लोग भी दुनिया में हैं यार, अल्लाह पाक इस भाई का नसीब भी अच्छा करे। तो जारी सी बात है इखलाक इनका बहुत अच्छा है, इखलाक की बुनियाद पर सारी इंसानियत है। ये नीचे जो भाई बैठे हैं इन्होंने मुझे कहा था कि भाई यहाँ से उठ जाओ हमने बैठना है, मैंने कहा यार तेरी मेहरबानी लेटने दे और बैठ जाने दे हमने भी सफ़र करना है। तो ये जो अंकल है लेटे हुए सामने ये बहुत अच्छे हैं, इनकी बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा था, इन्होंने भी हमारे साथ ये जन भी जाना आप सो रहे हैं तो बड़े हंसी मजाक वाले हैं ये भी अंकल। ये हमारा अब्दुल्ला बैठा हुआ है थक गया अभी अभी तो कोट राधा किशन आया है मैं हैं दलील कर मारिया क्यों यार तू इजी नहीं बैठा देता मैं लम्मा पे तो तू बैठ सही नहीं हैगा चल कोई नहीं सफर रह गए 1 बजे तक पहुंच जाना पा घर मतलब यार टाइम ही नहीं मांग रहा 9:15 से देखा 9:45 हो गए 1.5 घंटा हो गया चल कोई नहीं एंजॉय कर चाय पीनी चाय ले ला रोटी खानी या उधर कुछ है लिया खाने जी लेनी इधर मिलना कुछ हाँ जी कुछ नहीं मिलना ये नीचे मतलब टक शॉप नहीं है नीचे पापड़ खाने से दास दे यार बिरयानी वैसे प्लास्टिक के चावल नहीं होते मुझे तो समझ नहीं आती पेट नहीं भरे प्लास्टिक की बिरयानी उसे कहते हैं प्लास्टिक के चावल इन्होंने जाना कितने है इन्होंने ये भाई ऐसे ऐसे बंदा की मर्दी है ताड़ी 1 बजे तकरीबन पहुंचेंगे हैं ऐसे मेरा सिर फंस गया। ये देखिए जी इस वक्त ये लंबे सफर पे जाने वाले जो मुसाफिर है ना जिसने कराची जाना है या हैदराबाद जाना है वो बेचारे देख किस तरह सो रहे हैं लेटे हुए। हमने तो बीच रास्ते में उतर जाना है। ये बच्चा भाई बड़ा तंग करते हैं यकीन करें, बड़ी मुश्किल से इन्होंने उठाया है। लोग बाजी की करिए बंदा किनू की कवे सही कह रहे हो सर। ये ट्रेन का बहुत कुछ ही नाम है करना नदला हो गया यार मट्टी ना नदला हो गया नदला का ना हो गया मट्टी ना डस्ट है ना डस्ट एलर्जी मजा ऐसा मैं राष्ट्र देख के ना राजपाल यादव की ना मूवी का एक सीन याद आ गया। वो कभी आप भी ट्राई कीजिए जरूर, उसमें है ये टार्जन मूवी में सीन। कह रहा तुमने ये ना रेलवे के यहाँ पे फाटक क्यों नहीं बनाया। कह रहा भाई रेलवे जो है ना घाटे में चली जा रही है। कहता 120 पैसेंजर के डब्बे में 200 पब्लिक जो है 200 लोग भेड़ बकरियों की तरह भरे जाते हैं। अभी कह रहे हो रेलवे घाटे में चल रही है। इस रेलवे में रश देखना मुझे उसका पॉइंट याद आ गया। ओए होए होए दलील करवा दिया यार इसने तो आज मजा आया ना वापसी से नहीं मेरी गाल सुन वापसी कितने जाना इतने जाना कि दूसरी भी आना तौबा मेरी हां मेरी अब्बे से भी तौबा मैं मुड़ के इतने नहीं जाना बस पे जावा यकीन करो एक्सपोजिशन ये बन चुकी है कि कपड़ों भी मिट्टी के साथ भरे पड़े हैं सर। वो सर पे तो बाल वैसे ही नहीं लेकिन सर भी भरा पड़ा है मिट्टी से। वैसे तेरे सिर से कितनी की मिट्टी है दुल्ला कहंदे कुंदे साडे भी डाल एडी भी गल नहीं हैगी नहीं वैसे मजा आया ना लेकिन यार मजे की बात नहीं थी। यकीन करें कि जो लोग कराची जाने वाले थे ना आज जो ट्रेन में रश बहुत ज़्यादा था जो कराची जाने वाले थे उनके लिए बहुत बुरा हाल था। मैं उनकी वीडियोस नहीं बना सका क्योंकि यार हर बंदे की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मैं उनको वीडियोस में नहीं लेके आया लेकिन बहुत बुरा हाल था। एक इंसान रिज़्क की खातर रोटी की खातर कहाँ कहाँ भटकता है यकीन करें ट्रेन में बैठ के पता चलता है।
छुट्टियां थी, कुछ लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग यहां से काम करने की गरज से कराची जा रहे हैं। और जो कराची जा रहे थे यकीन करें कि उनकी हालत ये थी, कुछ नीचे लेटे हुए हैं, कुछ वॉशरूम की जगह नहीं होती जो इधर दुल्हा गैलरी बनी होती है ना, वहाँ पे लोग लेटे हुए चादर लेकर आराम कर रहे थे। बहुत यार अजीब सूरत हाल थी। और अल्लाह पाक की देन है ना, कुछ लोग एसी में ही, बिजनेस क्लास के डब्बे भी होते हैं जिस पे लोग एसी वाले डब्बे में सफ़र करते हैं, और कुछ भाई ऐसे थे जो इकोनॉमी क्लास में बैठ के, जैसे कि जिनके पास बर्थ भी नहीं थी, सीट भी नहीं थी, वो ऐसे बेचारे सफ़र कर रहे थे जैसे क्या बताएं। बड़ा अजीब सा फील हुआ मुझे देख के। एक्सपीरियंस बस ठीक है, जिस बंदे ने सफ़र करना है सारी सी बात है, या तो अपनी फैमिली के, हम भी अपनी फैमिली से मिलने के लिए इतनी दूर से चल के यहाँ पर आए, क्योंकि लाहौर हम भी जॉब करते हैं, तो जॉब करके जब छुट्टी होती है घर आना होता है तो मामला सारे देखने पड़ते हैं। लेकिन अपनी गाड़ी हो तो मज़ा फिर अलग ही है, ट्रेन पर सफ़र ट्रेन का ही है, क्या करें। अब चलते हैं जाके, हमें रिक्शा लेना है, रिक्शे वाले से बात करते हैं और देखते हैं वो हमसे कितने पैसे चार्ज करता है। बेसिकली हमने रिक्शे वाले को कहा कि जाना हमने इस्लामिया कॉलोनी, वो हमें आगे से कह रहा है कि भाई मैं अपनी सवारियाँ लेने के लिए आया हूँ, तो मैं आपकी तरह ना मैं तेरी तरह वेला नहीं है ना भाई, ये मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी यही सफ़र था तारीखी। इसके बाद मेरे अबू की भी तौबा, मैं ट्रेन पे सफ़र नहीं करूँगा, और ख़ासकर इकोनॉमी क्लास में। ऐडा तो रहना नहीं आएगा मामा, खराब कर दिया इसने, मैं नज़ला हो रहा है मुझे, नज़ला है सर मेरा, और डस्ट की वजह से। कोई गल नहीं, घर जाके कहवा पिओना तेरे ना ठीक हो जाएगा। आज से जब रक्षा फड़क पैदल जाना है, पैदल नहीं यार, सामने बाजार आ गया, बाजार तो ऊपर रिक्शा फड़ दे, और रिक्शे वाला खिलाड़ी नूं पुछदे हैं किन्ने जाना कि नहीं जाना। मेरे बड़े भाई है ना जो, वो सामने इंतजार कर रहे हैं कि मामू को हम घर आ रहे हैं। कोई भी नहीं, वो सामने खड़ा है। वालेकुम हैं तो यार, उन्हें 50 रुपये वादे मांग लेने से मेरे को भी 50 रुपये वादे मांग की हाल है, पहुँच के खैर कितना कर नजला हो गया ही। बड़ा बुरा हाल हो गया। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।